हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हृदय की नलियों के ब्लॉकेजेस के सिम्टम्स क्या होते हैं इस बारे में। यूजली अगर किसी को व्यक्ति को 50-60% तक का ब्लॉकेज हो तो ज़्यादातर लोगों को सिम्टम्स नहीं होते और बहुत लंबे समय तक ये ब्लॉकेज कम्प्लीटली एसिम्टोमेटिक रह सकते हैं। जहाँ जिस व्यक्ति को 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज होता है तो वहाँ चलने में सांस फूलना, घबराहट होना, छाती में दर्द होना, भारीपन लगना, चलने में धड़कन बढ़ जाना, बाएँ हाथ में झुनझुनी होना, गले में जलन होना, इस तरह के सिम्टम्स ज़्यादातर लोगों में देखे जाते हैं। ज़्यादातर ये ब्लॉकेजेस 70% से ज़्यादा सीवियर हो तो ही लोगों को सिम्टम्स आते हैं और बड़ी नलियों में हो तो ही सिम्टम्स आते हैं। अगर किसी छोटी नली में 70% का ब्लॉकेज हो तो ज़्यादातर लोगों को सिम्टम्स नहीं आते हैं और कई बार कोलैटरल्स वगैरह भी अच्छे डेवलप हो जाएं तो भी व्यक्ति को उतने सिम्टम्स नहीं होते। ऐसे लोगों को अगर डाउटफुल हो तो ECG, इको और ट्रेडमिल टेस्ट करके डाउट को रूल आउट करना चाहिए और अगर ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव आए तो एंजियो करके इनको कंफर्म करना चाहिए कि उनको वास्तव में कोई ब्लॉकेज है या नहीं।